स्वामी का बहुत पहले का एक डिस्कोर्स है। उसमें स्वामी बोलते हैं, तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक निर्गुण, एक सगुण और बीच का सगुण निर्गुण भक्त। जैसे स्वामी हर कठिन विषय को बहुत सरल उदाहरण से हमें समझाते हैं, स्वामी बोलते हैं, निर्गुण भक्त सूत जैसे समझ सकते हैं और सगुण कपड़े जैसे, पर बीच का जो सगुण निर्गुण भक्त है वो धागे जैसा। ये पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि हम सब शायद इस प्रकार के हैं, क्योंकि बहुत बहुत साल तक हमें ये भाग्य मिला कि भगवान का दिव्य रूप देखने का, दर्शन करने का, स्पर्श करने का, उसे संभाषण करने का। पर आज जब वो रूप हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं है, हम सब शायद ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम निर्गुण भक्त बने। तो इस अवसर पर, आज के आराधना महोत्सव पर, हमें शायद ये सोचकर अच्छा लगेगा कि स्वामी बोले कि जो भी प्रकार के भक्त हो तुम, ये एक कॉमन है हर प्रकार में कि प्रेम पैदा करना। तो सगुण हो निर्गुण हो, सगुण निर्गुण के प्रकार के हो, प्रेम भगवान के ऊपर, भगवान के प्रति और उनकी सृष्टि के प्रति प्रेम पैदा करना शायद हमारा लक्ष्य आज हम समझ सकते हैं। ग्यारह के गुरु पूर्णिमा वाला दिन स्वामी का महासमाधि ओपनिंग हो रहा था। बहुत दुखी मन से हम बैठे साई कुलवंत हॉल में। अब से जब हम कुलवंत हॉल जाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं होएगा। ये एक बहुत बहुत ही कठिन सत्य हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। मैं बैठी अपनी जगह पे रो रो के भगवान से एक प्रश्न बार बार पूछ रही थी, स्वामी आगे जब नए स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट में आएंगे और पूछेंगे ये स्वामी है कौन, हम बताएंगे क्या उनको? ये मुझे बार बार ये डाउट जब आ रहा था, मैंने बहुत बहुत इंटेंसली स्वामी को प्रे किया। और उधर उसी समय समाधि के सामने मिला मुझे भगवान का उत्तर। स्वामी बोले, स्वामी एक भौतिक रूप नहीं है, स्वामी है एक दिव्य तत्व। और इंग्लिश अंग्रेजी में भगवान बोले, स्वामी यानी सौ मी। अपने भगवान के वजह से हम सब अपने आप में जो दिव्यत्व है वो देख पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास शायद होनी चाहिए कि जब अभी भगवान एक भौतिक रूप में हमारे आंखों के सामने नहीं है, तभी भी हम ये प्रयास करें कि अपने अंदर का जो भगवान है उनको देखने के लिए हमारे सारे प्रयत्न, हमारे सारे टाइम उसमें हम लगाएं। एक बार स्वामी सब टीचर्स के साथ इंटरव्यू रूम में अपने डाउट्स का सब क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। किसी ने स्वामी से पूछा, स्वामी नाम और रूप इनमें से किसका महत्व ज्यादा है? जैसे हर कठिन विषय में स्वामी बहुत सरल उदाहरण से हमें समझाते हैं, स्वामी बोले
ये समझो कि मैं तुम्हारे अनंतपुर कॉलेज के गेट के बाहर आया हूँ और वॉचमैन को बुला के अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे मिलना है उनसे जो हरी साड़ी पहनी है, 5 फुट की लंबाई की है और लंबी बाल के हैं, ऐसे सब बता के मैं अगर बोलूं, या मैं बोलूं मुझे मिलना है जयमा से, वो कैसे ज़्यादा अच्छे से समझेगा? तो हम सब स्वामी को बोले, स्वामी जब आप नाम लेंगे वो जल्दी समझेगा। फिर भगवान बोले, हाँ यही बात इधर भी, नाम का महत्व और शक्ति रूप से भी ज़्यादा है। आज से और कौन सी दिन इससे महत्वपूर्ण है जब हम ये मैसेज का याद कर सकते हैं। एक बार मैं देख रही थी स्वामी कोडैकनाल जाने के लिए एरोप्लेन बोर्ड करने वाला वीडियो। वो देखकर मेरे मन में एक विचार आया, हमारी जिंदगी की यात्रा भी लगभग ऐसा ही है। जब हम फ्लाइट बोर्ड करते हैं, कभी कभी किसी किसी को पायलट दिखाई देते हैं जब वो हमारे सामने से, बोर्डिंग गेट के सामने से निकल जाते हैं या फ्लाइट के एंट्रेंस से निकल जाते हैं। वैसे ही हम सब के दो प्रकार हो सकते हैं, जो भगवान के दर्शन किए हैं, भौतिक रूप का दर्शन किए हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं भक्त जो भगवान का, जिनको भगवान का दर्शन भौतिक रूप में नहीं मिला है। जब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है, हम सबको पायलट की आवाज़ सुनाई देता है अनाउंसमेंट के रूप से। वैसे ही हम सबको, जिन्होंने भगवान को अपने आँखों से देखा है, जो नहीं देखे हैं, सबको आज वीडियो और ऑडियो के माध्यम से भगवान की आवाज़ तो सुनाई देते हैं। और जब फ्लाइट चल रहा होता है, ना पायलट दिखता है ना पायलट सुनाई देते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अभी भगवान नहीं दिखते, हमारे अपने आँखों से भगवान हमारे सामने नहीं दिखते, पर ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि पायलट है ही नहीं। पायलट है तभी फ्लाइट आगे बढ़ रहा है, भगवान अपने साथ है तभी हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ रहा है। पर कब हमें दिखाई देंगे भगवान? जब फ्लाइट सेफ लैंडिंग होते हैं, अपने लक्ष्य पहुंच जाते हैं, पायलट निकलेंगे कॉकपिट से। वैसे ही जब हम अपने जीवन का लक्ष्य पहुंच जाएंगे, जब हम भगवान के चरण कमल पहुंच जाएंगे, तब हमें मिलेगा पायलट का वो एक्सपीरियंस और पायलट का दर्शन, अपने पायलट, अपने साई का दर्शन। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीर ने कितनी सच बात कही थी। आज के ही दिन 11 साल पहले जब अचानक भगवान का जो पार्थिव शरीर हमसे दूर हो गया, तो हम उसी तरह, उस हिरण की तरह ही थे जो अपने ही अंदर से आती हुई खुशबू को जंगल में ढूंढ रहा था, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। हम उस दिव्य रूप को देखना चाहते थे, पर तब हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो दिव्य रूप हमारे भीतर ही तो बसा हुआ है। हम कभी कभी कहते थे, स्वामी हम आपके चरणों में अपने हृदय को अर्पण करते हैं, पर अर्पण कैसा हो सकता है जब सब कुछ तो उसी से निकल कर आ रहा है,
कोई दूसरा तो है ही नहीं। कभी कभी हम कहते थे, स्वामी हम आपके हैं, ये भी कोई कहने की बात थी। जब सब उसी से निकल कर आता है तो दूसरा है ही कहाँ। ऐसी ही स्थिति हमारी थी। हम उसके बारे में गाते थे, हम ये भी कहते थे कि भगवान सर्वव्यापी हैं, उसके बारे में कहते थे, गाते थे और महसूस करते भी थे, पर फिर भी कहीं पर हम उस स्थिति को भूल कर रहे थे, अपने अंदर तक भीतर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे कि हम उस सर्वव्यापी भगवान को अपने भीतर ही देख सकें। जैसे कस्तूरी मृग के कुंडल में ही खुशबू बसी हुई थी और वो बाहर ढूंढ रहा था, वैसे ही हम उस रूप को बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि वो सर्वव्यापी रूप से हमारे भीतर ही स्थित था। एक बार जब मैंने कॉलेज लेक्चर के साथ ज्वाइन कर लिया था, एक सीनियर टीचर के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं उन्हें साईराम नहीं कह पा रही थी। तो जब मैंने साईराम कहा भी तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो इससे थोड़ा सा हतोत्साहित होकर मैंने अवॉइड करना शुरू किया उनको। अर्थात वो जब एक तरफ होती थी तो मैं दूसरी तरफ चली जाती थी ताकि उनके सामने ना आऊँ, और जब वो दूसरी तरफ होती थी तो मैं दूसरी तरफ चली जाती थी कि अवॉइड करूं उनको ताकि उन्हें साईराम ना बोलना पड़े। ऐसी स्थिति और ये खेल चल ही रहा था जब हम पुट्टपर्ती आए और भगवान ने हमें एक इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया। मैं स्वामी की दाहिनी ओर बैठी हुई थी और स्वामी इसी तरह के एक जो आम व्यक्तियों के बीच में हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी हम इतना भी नहीं कर पाते हैं कि दूसरों को प्रेम से साईराम कह सकें। तो मैं अपने अंदर ही अंदर सोचने लगी कि मैंने तो साईराम कहा था स्वामी, उत्तर नहीं आने पर ही मैंने अवॉइड करना शुरू किया है। तो स्वामी ने तुरंत मेरी ओर ही देखा और बोले, हाँ हाँ, ये खेल चल रहा है कि जब तुम जिनको साईराम नहीं कहना चाहते हो उनको, ताकि उनके सामने ना आओ, तुम दूसरी तरफ से निकल जाते हो और हर बार उनको अवॉइड करने का प्रयास करते हो। तो मैंने कहा, अब पकड़ी तो गई थी मैं, अब कैसे छुपाऊँ, सच्ची बात थी। तो मैंने कहा, हाँ स्वामी ऐसा ही हो रहा है, पर इसके लिए कोई रास्ता बताइए। तो स्वामी ने, तो सरल है, तुम उनको साईराम नहीं बोलना चाहती हो तो ना बोलो, मुझे जो मैं उनके अंदर हृदय में निवास कर रहा हूँ मुझे साईराम बोल दो। और तब मुझे लगा कि वास्तव में ये कितना सरल सा उपाय था और मुझे ऐसा क्यों अनुभव नहीं हुआ। अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे लूँ तो मुझे आजकल ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एक लेसन, एक शिक्षा जो भगवान ने मुझे तब देनी चाहिए थी, जो आज सार्थक है। हम आज भी भगवान के जो रूप को देखना चाहते हैं, उनके फॉर्म को देखना चाहते हैं, जो कि हमारा मानसिक रूप से जुड़ा था, किंतु वास्तव में स्वामी हमें इसी ओर लेकर जा रहे थे तब भी, जब वो शरीर के साथ थे तब भी, ताकि हम उन्हें सबके हृदयों के भीतर देख सकें। और आज हमें यही बात अच्छे से सीख लेनी होगी। स्वामी के एक बहुत पुराने भक्त हैं जो आश्रम में रहती हैं, उनके दो बेटे वृंदावन में पढ़े हैं और स्वामी के बहुत करीब थे वो लोग। इतना कि जब स्वामी वृंदावन में जाते थे गर्मियों के छुट्टियों में, तब अपने ही बंगलों में एक कमरा देकर उन्हें अपने पास रखते थे। तो जब स्वामी ने शरीर छोड़ा और उनके हृदय बहुत दुखी था, तो उनके बेटों ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ को ले जाते हैं बाहर, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और फिर वापस आश्रम में आ जाएंगे। जैसे उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज जाएंगे, उसी दिन सुबह उनके स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने कहा, कहाँ जा रही हो, मैं तो इधर ही हूँ, चिंता नहीं करो, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मुझे यहाँ से छोड़कर मत जाओ। उनका हृदय खुशी से भर गया क्योंकि स्वामी का इतना ही सुंदर आश्वासन उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ अरसे के पश्चात एक बार
उनको थोड़ी सी तकलीफ सी थी शरीर में और उन्हें थोड़ा सा डर लगा क्योंकि रात को वो अकेली रह जाती थी कमरे में। तो वो डर के मारे आश्रम मतलब अपने मंदिर के पास उन्होंने जो स्वामी का एक सिंहासन रखा हुआ था उसके पास ही अपने एक कुर्सी लगाकर वो बैठी और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की कि भगवान आपने मुझे कहा था, आश्वासन दिया था कि आप मेरा ध्यान रखेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरा ध्यान रखना, मैं अकेली हूँ। तभी अचानक उनके मोबाइल में लाइट आ गई और उन्होंने जब मोबाइल में देखा तो ये क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं हूँ ना, डर किस बात का, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा एकदम से उनका हृदय भय से मुक्त हो गया और उन्होंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और बाद में वो देखना चाहती थी कि ये भेजने वाला कौन था ये मैसेज, किंतु जब उन्होंने खोजने के प्रयास किया तो उनको लगा कि कोई भेजने वाला नहीं था, पर एकदम उस समय जब उनके हृदय में ये भय था तो भय मुक्त करने के लिए भगवान ने उनके मोबाइल में ये मैसेज, ये सुंदर संदेश भेज दिया उनके लिए। इस प्रकार भगवान क्षण क्षण हमारा ध्यान रखते हैं, आवश्यकता है तो उनके इस सुंदर अस्तित्व को महसूस करने का बस हमें यही प्रयास करना है। की ये घटना है जब हमारी एक कलीग उगादी के दिन ये सोचकर नहीं आई पुटपर्ती कि उसको 2-3 दिनों में तो आना ही था और जैसे भी स्वामी के दर्शन होने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचकर बाकी सब का साथ नहीं दिया, बाकी सब पुटपर्ती चले आए पहले दिन, पर वो अनंतपुर में ही रह गई। तो उगादी वाले दिन सुबह 4:30 बजे का समय था कि अचानक एक बार नहीं बल्कि 3 बार स्वामी की स्वयं की आवाज में उन्होंने सुना बहुत ही स्पष्ट रूप से। स्वामी कह रहे थे, तुम्हें मेरी समाधि के भी उतना ही समीप आना चाहिए जितना तुम मेरे समीप पहले थे। और ये एक बार नहीं 3 बार सुनने के पश्चात तो एकदम से वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने तुरंत तैयारी करी और अपनी गाड़ी पकड़कर अकेली चलाती हुई पुटपर्ती आ गई। ये पहली बार था जब कोई त्योहार वो मिस कर रही थी और भगवान ने ऐसे होने नहीं दिया, क्योंकि वो अब भी तो है, अब भी वो कुलवंत हॉल में हमारे सामने है, पर जिस रूप में है उस रूप को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वामी ने क्लियरली या स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि तुम्हें भी उतना ही समीप आना चाहिए मेरे जितना तुम पहले थे, कि समाधि भी मैं ही तो हूँ। तो आज जब हमारे सामने समाधि है, वो समाधि नहीं है, वो स्वयं वही रूप है, भिन्न रूप से प्रस्तुत है किंतु है तो वही तत्व। और आज 10 सालों के पश्चात ऐसा भी लग रहा है कि समाधि का एक बहुत गहरा अर्थ भी है। हम उस प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं जब हमारी मानसिक स्थिति सम हो। समधि ही तो समाधि है। तो जब हमारा मन या बुद्धि एकांतिक हो जाए ईश्वर को देखने की इच्छा में, तो हम उन्हें स्वयं अवश्य देख पाएंगे।